बात करें तो पूरे रफ किया अपने सॉन्ग में, तो कितनी मुश्किल थी क्योंकि सलमान जी के बारे में जाना जाता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो एक्चुअली लोग पता नहीं क्यों एक ही बात करते हैं कि मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है, इट्स जस्ट ही इन्जॉयज, वो इतना इन्जॉय करते हैं कि उनके डांसिंग स्टाइल को देख के हर कोई कर सकता, आप भी कर सकते हो ना उनका स्टाइल, वो इजी है क्योंकि वो इन्जॉय करते हैं। तो कोरियोग्राफर्स के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है, अगर मैं इन्जॉय करती हूँ तो मैं उनको इन्जॉय करा सकती हूँ स्टेप्स के साथ। तो आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हिम बेटर। एंड ट्यूबलाइट के कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है, रियल हीरोइज़म नहीं है कैरेक्टर में, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, तो उस कैरेक्टर को सिर्फ ध्यान में रखने की ज़रूरत थी। लेकिन अगेन उनके जो फैंस है उनको हम लोग नाउम्मीद नहीं कर सकते थे कि अगर कैरेक्टर ऐसा है तो डांस नहीं करवाया, तो इसलिए बहुत ध्यान से सोच समझ के गानों को पिक्चराइज किया है, स्टेप्स को पिक्चराइज किया है, एंड इट्स लुकिंग फैबुलस, लोगों को बहुत पसंद आया। नाच मेरी जान लोगों का सबका फेवरेट है, तो स्टेप्स भी इनोवेटिव सोची गई है उनके कैरेक्टर को सोचकर, बहुत मेहनत की है। 60s की फिल्म है, वो लुक लेकर आया, कबीर खान जैसा डायरेक्टर अगर आपके साथ आपके सर पर हो तो फिर तो काम अच्छा होना ही है, ही इज़ माई फेवरेट डायरेक्टर, तो बहुत उम्मीदें हैं और लोग बहुत पसंद करेंगे ट्यूबलाइट।